का मोर्चा है, सबसे आगे जो स्थान दिया गया है वो निहंग सिंह को दिया गया है जो घुड़सवार होकर यहाँ पर आए हैं। निहंग सिंह एक वीरों का जत्था होता है जो गुरुओं की रक्षा में तैनात रहता था, उसी में आप देख सकते हैं निहंग सिंह में कुछ ऐसे बाबा जी भी हैं जो अपने साथ में बाज लिए हुए हैं। ये बाज किस चीज़ का प्रतीक है, क्यों रखा जाता है, क्या संदेश देता है ये बाज, ये हम बात करेंगे बाबा जी से ही, वही हमें बताएंगे। बाबा जी बताइए। मेरा नाम जी जाबरजंग सिंह है जी। जाबरजंग सिंह जी, आप सिंह निहंग सिंहों का जत्था लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, उस दस्ते में घोड़े भी हैं और अब आप लोग यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में हैं, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, नौवा दिन है, तो क्या लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर आप आए हैं और ये बाज अपने साथ लेकर आए, इसका क्या महत्व और क्या ऐतिहासिक दृष्टि से बताते हैं? अगर हम इसको सामाजिक तौर पर देखें तो ये एक आज़ादी का प्रतीक है, लोकतंत्रता का प्रतीक है, क्योंकि ये कभी भी किसी पिंजरे में कैद नहीं रह सकता और दूसरा ये अपना शिकार खुद मार के खाता है। इससे ये मिलता है कि अपना खुद का मेहनत करके खानी चाहिए, किसी दूसरे का हक छीन कर नहीं खाना चाहिए। और जो घोड़े वगैरह लाए गए हैं इनका प्रतीक है कि ये यहाँ पे हर कोई एक समान है। पहले क्या होता था गुरु महाराज के टाइम पे, कोई जेड़ा किसी को कहते थे ये तू घोड़े पे नहीं चढ़ सकता, तू बाज नहीं रख सकता, तू तलवार नहीं रख सकता, तू पगड़ी नहीं बांध सकता, तू ये जो होता है ये चीज़ें आपके ऊपर करने के लिए बैन है। लेकिन गुरु महाराज ने हमें घोड़े दिए, कृपान दी, सब कुछ दिया, राजाओं जैसा हमें दिया, अभी तुम भी राजी हो, लेकिन एक समानता, एक सबको एक नज़र से देखना, एक समान रखना, चाहे आपके पास पैसा है नहीं है, लेकिन आपका जो अंदर का संतोख, आपका सर्व संतोख होना चाहिए, सब्र होना चाहिए कि आपके पास चाहे 100 रुपया है आप उसी में संतुष्ट रहना सीखें, राजों की तरह रहना सीखें, उसमें से भी अगर आप खाना तैयार करते हो तो एक रोटी से आधी रोटी दूसरे को देने की आदत।